नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान वर्सेस पोको X4 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.56 इंच जबकि X4 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 19 Pro Mondrian से कम है। विड्थ की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 2.93 इंच जबकि X4 Pro 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 19 Pro Mondrian में 204 ग्राम्स जबकि X4 Pro 5G में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 19 Pro Mondrian में IPS LCD जबकि X4 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 6.8 इंचेस जबकि X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 19 Pro Mondrian में 1080x2460 और X4 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19 Pro Mondrian में 88.55% जबकि X4 Pro 5G में 86.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अननोन कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और X4 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 19 Pro Mondrian में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 19 Pro Mondrian में Mali-G57MC2 जबकि X4 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 19 Pro Mondrian में MediaTek Helio G96 और X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो 19 Pro Mondrian में 8GB की RAM मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 19 Pro Mondrian में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 19 Pro Mondrian में अप टू 512GB जबकि X4 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 19 Pro Mondrian में Android V12 जबकि X4 Pro 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 19 Pro Mondrian में 1 कलर्स जबकि X4 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 19 Pro Mondrian में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X4 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो कैमन 19 प्रो मोंड्रियान में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको X4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X4 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Tecno Camon 19 Neo है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 19 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।